हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही बेहतरीन के ड्रामा को एक्सप्लेन करेंगे, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस के ड्रामा का नाम है द साउंड ऑफ द मैजिक और ये खुद में ही एक मास्टरपीस है। ये ड्रामा बहुत ही खूबसूरत है। जितना खूबसूरत इसका स्टोरी है उतना ही इसका रिप्रेजेंटेशन है। उम्मीद करते हैं आपको काफ़ी मज़ा आएगा, तो प्लीज़ एंड तक जुड़े रहना। ये एक म्यूजिकल फैंटेसी ड्रामा है और इसमें मिस्ट्री भी भर भर के है। तो चलिए आज हम इसका पहला एपिसोड एक्सप्लेन करेंगे। तो कहानी शुरू होती है। क्या तुमने उस अफवाह के बारे में सुना? कौन सा अफवाह? हमारे शहर में पहाड़ के ऊपर जो थीम पार्क है। ओह, वो तो काफी सालों पहले ही बंद हो चुका है। वहाँ एक बहुत ही गुड लुकिंग मैजिशियन रहता है। सच में? क्या सच में ऐसी भूतिया जगह पर कोई रहता है और एक गुड लुकिंग मैजिशियन वहाँ रहता है? हाँ, मैंने भी ये सुना है। वो मैजिशियन काफी अजीब है। हाँ, सही कहा। क्या तुम्हें पता है उस मैजिशियन का जादू असली है? असली मैजिक? और वो सच में किसी को दो टुकड़ों में बांट सकता है अपने मैजिक से। और उसका किसी को गायब करने वाला मैजिक, वो भी सच है। वो सच में लोगों को गायब कर सकता है। और उस जादू को करने से पहले वो तुम्हारी आंखों में देखता है और पूछता है, तनशिलिन मासिलिन मिसुमिका, क्या तुम्हें जादू पर विश्वास है? इन सब बातचीत के बाद अचानक से गाना बजता है और सभी स्टूडेंट्स नाचने लगते हैं और इस गाने के जरिए हमारी मुलाकात होती है मैजिशियन से। इसके बाद पहला एपिसोड शुरू होता है। शुरुआत में हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां एक लड़की अपने क्लास के लिए लेट हो चुकी थी। वो सीढ़ियों पे भागते हुए अपने क्लास में जा रही होती है, तभी अचानक वो एक लड़के से टकरा जाती है। इस वजह से उसके पैर में चोट आ जाती है, उसका मोजा भी फट जाता है। वो लड़का वापस आता है, उसे उसका बैग उठाकर देता है और चला जाता है। फिर वो लड़की अपनी क्लास में चली जाती है और लेट आने के लिए टीचर उसे पनिशमेंट देते हैं। फिर उसी के बाद वो लड़का भी क्लास में आता है, लेकिन टीचर उसे पनिशमेंट बिल्कुल नहीं देते बल्कि उसे बैठने देते, क्योंकि वो स्कूल का टॉपर था। उसका नाम था नाइल दूम। फिर सीन चेंज होता है टिफिन ब्रेक पर, जहां वो लड़की कैंटीन से खाना चुरा के अपने टिफिन बॉक्स पर रख रही होती है, लेकिन तभी दो लड़कियां आके उसका खाना गिरा देती है। कोरियन स्कूल में तो बुलीज होना आम बात है। फिर भी वो लड़की वो खाना उठाती है और अपने बैग में रख लेती है। फिर वही दो लड़कियां नाइल दूंग के पास जाकर पूछती है, तुम्हारे बगल में जो लड़की बैठती है क्या वो गूंगी है? नाइल दूंग कहता है, मुझे नहीं पता, मैंने उससे बात नहीं किया। और हाँ, अगर कॉलेज में जाना चाहती हो तो अपना वजन थोड़ा घटाओ। फिर सीन चेंज होता है जहां हम उसी लड़की को एक स्टोर पर पार्ट टाइम जॉब करते हुए देखते हैं, जहां वो लड़की किसी का छोड़ा हुआ खाना चुपके से खाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी स्टोर का मालिक आ जाता है तो वो तुरंत खाने को डस्टबिन में फेंक देती है। मालिक कहता है कि तुम चाहो तो रोज यह काम कर सकती हो। ये सुनकर वो लड़की काफी खुश होती है। फिर वो अपना पैसा लेके वहां से जा रही होती है। ये पैसे उसके लिए काफी मायने रखते थे क्योंकि वो काफी गरीब थी। पैसा लेकर वो घर आ रही होती है कि तभी अचानक से पैसा उड़ने लगता है और वो भागते हुए उसके पीछे जाने लगती है। फिर भागते भागते वो पहाड़ों के ऊपर उसी थीम पार्क में चली जाती है और वहाँ उसे उसका पैसा भी मिल जाता है। फिर जैसे ही वो पैसे को लेने जाती है, तभी वो पैसे अचानक से उड़ के वहाँ पे एक आदमी के हाथों में लग जाता है जो कि मैजिशियन होता है। और वो पूछता है, क्या तुम्हें जादू पर यकीन है? वो लड़की डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। फिर वो लड़की भागते हुए अपने घर पहुँचती है जहाँ उसकी छोटी बहन उसका इंतजार कर रही होती है। वो लड़की अपने पैसे खो देती है जिस वजह से वो कुछ खरीद नहीं पाती और घर में भी खाने के लिए कुछ नहीं होता। उसकी छोटी बहन कहती है, कोई बात नहीं, मेरा पेट भरा हुआ है, मैं सोने जा रही हूँ। फिर वहाँ घर का मालिक आके किराया मांगता है। उस लड़की के पास पैसे नहीं होते। घर का मालिक बहुत सुनाता है और कहता है, अगर इस महीने तुमने मेरे घर के किराया नहीं दिए तो कहीं और जाके रहना, मैंने बहुत सह लिया। फिर घर का मालिक चला जाता है और हमें पता चलता है ये दोनों बहनें यहाँ अकेली रहती है। दूसरे दिन वो लड़की वही फटे हुए मोजे पहन के स्कूल जाती है। वो बुली लड़कियाँ ये देख के बात करने लगती है, भला इतना गरीब कोई कैसे हो सकता है कि मोजे खरीदने तक पैसे नहीं है? चलो, मेरे पास एक बहुत ही बढ़िया आइडिया है। ये कहकर ये दोनों प्लान करते हैं कि ये उस लड़की के टेबल के नीचे एक 5,000 वोन का नोट रख देते हैं चुपके से
और वो लड़की उस नोट को चुपके से उठा लेती है। बाद में वो बुली लड़की क्लास में आकर नाटक करती है कि उसका पैसा कहीं खो गया है और उसी लड़की के पास आके पूछती है। वो लड़की कुछ नहीं बोलती, सिर्फ अपने मन में सोचती है, मैंने किसी का पैसा नहीं चुराया, वो तो यहाँ पड़ा हुआ था तो मैंने उठा ली, इसमें कोई बुराई नहीं है, और वो चुप रहती है। वो बुली लड़की कहती है, मुझे तो मेरा पैसा नहीं मिल रहा, चलो मैं मान लेती हूँ कि मैंने किसी भिखारी को दान पे दे दिया। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। घर आकर वो लड़की परेशान रहती है और पढ़ते पढ़ते सो जाती है। फिर जब उसकी आँख खुलती है वो हिम्मत जुटाकर उसी थीम पार्क में चली जाती है अपने पैसे वापस लाने, जहाँ उसकी मुलाकात उसी मैजिशियन से होता है। मैजिशियन कहता है, मैंने तुम्हें इनवाइट किया था इसलिए तुम यहाँ आई हो। वो लड़की कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं तो यहाँ अपने पैसे वापस लेने आई हूँ। मैजिशियन कहते हैं, अच्छा फिर तुम्हारे हाथ में क्या है? फिर जैसे ही वो लड़की अपना हाथ देखती है तो वहाँ इनविटेशन कार्ड दिखता है जिसको इस लड़की ने कल रात ही फेंक दिया था। फिर से वो लड़की उस इनविटेशन कार्ड को फेंक देती है। मैजिशियन कहते हैं, अपना पॉकेट देखो, तो उसके पॉकेट में वही इनविटेशन कार्ड आ जाता है और वो हैरान हो जाती है। वो लड़की कहती है, बंद करो, मुझे अपने पैसे वापस चाहिए, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मैजिशियन कहता है, पैसे? तुम्हारा मतलब इससे? फिर मैजिशियन उस पैसे को 2 पैसों के नोट में बदल देता है अपने जादू से और कहता है, ले लो अपने पैसे। वो लड़की कहती है, मैं कोई ऐसी इंसान नहीं हूँ जो दूसरे के पैसे लूँ, मेरा सिर्फ एक ही नोट था और मैं सिर्फ वही लूंगी। इतना कह के वो एक नोट लेकर जाने लगती है। तभी मैजिशियन उसके शू लेस बांध देते हैं और कहते हैं कि इस तरह तुम गिरोगी नहीं। फिर जैसे ही वो सामने की तरफ बढ़ती है वहाँ भी वो मैजिशियन अचानक से आ जाता है। फिर सीन चेंज होता है जहाँ वो दोनों बहनें अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। उन पैसों से उस लड़की ने काफी सारा खाना खरीदा होता है। फिर स्कूल में जाके वो लड़की सो जाती है और नाइलदुंग उसे घूर रहा होता है। शायद नाइलदुंग उस लड़की को पसंद करने लगा था। वो लड़की मैथ्स में बहुत अच्छी थी, नाइलदुंग हर सब्जेक्ट में टॉप करता था लेकिन मैथ्स में वो लड़की ही टॉप करती थी। नाइलदुंग उससे एक मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दे देता है। नाइलदुंग उससे पूछता है, तुम्हें मैथ्स इतना पसंद क्यों है? वो लड़की कहती है, मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने से आंसर मिल जाता है लेकिन जिंदगी के कुछ क्वेश्चन का सवाल कभी नहीं मिलते। फिर सीन चेंज होता है जहाँ वो लड़की उसी शॉप पर पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है और शॉप के ओनर से कुछ पैसे एडवांस में मांग लेती है। ओनर राजी भी हो जाता है और उसे पैसे दे देता है लेकिन उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। वो लड़की उसे धक्का दे देती है, ओनर गिर जाता है। वो ओनर काफी गुस्से में उठता है और उस लड़की को पीटने लगता है। तभी वहाँ पर वही मैजिशियन आ जाता है और उस आदमी को रोक लेता है और पूछता है, क्या तुम्हें जादू में विश्वास है? अनरा सुमनरा। फिर वो अपने जादू से उस आदमी को गायब कर देता है। वो लड़की उसे शुक्रिया कहती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अगली सुबह वो लड़की उसी शॉप पर जाती है जहाँ देखते हैं वो शॉप बंद है। वो उस ओनर के पैसे लौटा देती है। फिर वो वही थीम पार्क में जाती है जहाँ उसे वही मैजिशियन दिखता है। वो लड़की उस मैजिशियन से पूछती है, तुम्हें कैसे पता लगा कि मुझे मदद की ज़रूरत है? मैजिशियन कहता है कि मैं वहाँ से जा रहा था और तुम अपने मन में कह रही थी तो मैंने सुन लिया। फिर वो लड़की पूछती है, क्या वो आदमी सच में गायब हो गया? कहाँ गया वो? मैजिशियन कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने तो बस जादू किया था। वो लड़की कहती है, जादू जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मैजिशियन कहते हैं, जादू 2 टाइप के होते हैं, एक वो जो असली दिखते हैं लेकिन नकली होते हैं और एक असली वाला जादू। तुम्हें क्या लगता है मेरा वाला कौन सा है, असली? फिर वो लड़की कहती है, तुम भी गरीब हो गए इसलिए ऐसी जगह रहते हो, ये सब जादू जैसी चीज़ बच्चों जैसी चीज़ छोड़कर कोई अच्छा काम करो जिससे अच्छे पैसे कमा सको। हम जैसे लोगों के लिए जीना कितना मुश्किल होता है पता भी है तुम्हें? मुझे हर दिन कितना दुख झेलना पड़ता है, कितना कुछ सहना पड़ता है, तुम्हें पता है? फिर वो मैजिशियन कहता है, बचपन में तो हम सेंटा क्लॉज जादू पर यकीन करते थे ना, तो अब यकीन मानने में क्या दिक्कत है? अनरा सुमनरा। ये कहते ही उस थीम पार्क में मानो जैसी जान आ जाती है, चारों तरफ रोशनी हो जाती है, सब कुछ एकदम से झूमने लगता है, चारों तरफ रोशनियों का मेला लग जाता है। ये सब देख के वो लड़की हैरान हो जाती है। फिर वो दोनों जैसे कि जादुई दुनिया पर सफर करने लगते हैं। फिर से मैजिशियन पूछता है, क्या तुम्हें जादू पर यकीन है? वो लड़की मुस्कुराती है और अपने मन में सोचती है, मेरे आंखों के सामने जो है इस चीज़ को मैं इनकार नहीं कर सकती,
मैं अब कैसे इनकार करूं कि मुझे जादू पर यकीन नहीं है। और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ जितना हो सके शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना कि आपको जादू में यकीन हुआ या नहीं। तांशिली मासिले मिसुमिका अन्नारा समानारा।